आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों में। अभी हम जा रहे हैं मणितरण गुरुद्वारा, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया गुरुद्वारा है। आओ चेक करते हैं। तो भाई यहाँ हम पहुँच गए हैं मणितरण गुरुद्वारा। बहुत ही बढ़िया व्यू, बहुत ही मज़ा आ गया देख के। आप एक बार यहाँ का नज़ारा चेक करो, मतलब दिल खुश कर देने वाला। सुबह सुबह भगवान के दर्शन और ये मेस्मराइजिंग व्यू देखा। और इसके बाद हम गए एक साथ में ही शिव जी का मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वो मंदिर है और यहाँ पर एक जादू है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ का नज़ारा चेक करो, ऐसा ही फुल पावर। और ये है भगवान का जादू जो है वाटर स्प्रिंग। और ये निकले हम अपने ट्रैक की ओर, और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, खीर गंगा ट्रैक। तो कुछ इस तरह हमारा ट्रैक शुरू हुआ। और ट्रैक हमने जो शुरू किया वो किया कलगा साइड से और यूकेन से, फॉरेस्ट साइड से। और एक हमारा दूसरा साइड है जो है विलेज साइड, ये है कलगा जाने का रास्ता। हमारे साथ खीर गंगा तक चलेगा, खीर गंगा तक चलेगा हमारे साथ। इधर देखना, खीर गंगा तक चलेगा हैं? ओके बनिया भाई, हमारे ट्रैक के लिए डंडे पसंद करेंगे, लॉट्स ऑफ डंडास, मजबूत सा देखने में। और मजबूत सा डंडा देखने के बाद जब हम अपना ट्रैक शुरू किया तो स्टार्टिंग में हम रास्ता भूल गए कि ऊपर से जाना है कि नीचे से। फिर भगवान का नाम लेके ऊपर वाला रास्ता चूज किया और चल पड़े हम अपना ट्रैक करने। स्टार्टिंग में जोश पूरा था कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट बीच में बहुत बार हिम्मत टूटी, सच बताऊं बहुत बार, बट इट वॉज फन। और ट्रैक पे दूसरों को रास्ता देते चलो और आगे बढ़ते चलो। और ये जो लड़की है भाई, ये लड़की पूरे ट्रैक पे नहीं थकी, बस चले जा रही है, चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है और चढ़े जा रही है, आगे जाके देखना आप। तो ये हम पहुंचे अपनी पहली जगह जहां हम रुके थे, यहाँ से एक कैफेज है यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ से हमने रास्ता पता किया और फिर हम वहां से आगे निकले। और यहाँ से हम आगे निकल पड़े भाई। नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल सीन्स थे इफ आई टॉक अबाउट। अभी आप देखना ये भाई, लोग बोल रहे थे ये पहाड़ है, बट मुझे तो पहाड़ जैसा, मुझे पत्थर ही लगा, बहुत बड़ा पत्थर, बट बहुत यूनिक। तो मैंने आपको बोला था हम फॉरेस्ट साइड से, वो इसलिए नज़ारा चेक करो। इस ट्रैक पे बिल्कुल भी धूप नहीं लगती है और ट्रैकिंग बहुत इजीली हो जाती है। As promised, ये देखो ये आ गए हैं शैतान, और ये पूरे ट्रैक में हमारे साथ रहे थ्रू आउट द ट्रैक। और इन्होंने बिल्कुल हमें खीर गंगा तक छोड़ा भाई, कई जगह रास्ता भूले तो इन्होंने रास्ता भी बताया। बट इन्होंने हेल्प आउट किया। उसके बाद भाई हम थोड़ा और आगे पहुंचे, रास्ते और ज़्यादा डिफिकल्ट होते गए। वो देखो नीचे मोहतरमा और मैं यहाँ, नहीं रुक रही हैं, अभी भी नहीं रुक रही हैं, देखो चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, देख नहीं रही पीछे कोई है नहीं है, मुझे पहुंचना।
उसके बाद हुआ हमारा फर्स्ट वाटरफॉल एनकाउंटर। चेक करो, लोग बहुत बोलते थे वाटरफॉल है या इट वाज गुड, हाँ बट ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ अल्टीमेट था, हाँ बट अच्छा था, इट वाज गुड। तो मैंने कुछ शॉट लिए थे, आप जरा चेक करो। है सही बातचीत, फुल पावर। और उसके बाद हम फिर निकल के आगे ट्रैक पे, झरने पे हमने थोड़ा बहुत फन किया, उसके बाद हम आगे निकले भाई। और आगे निकल के क्या था भाई, बस चलते रहे चलते रहे चलते रहे, चढ़ाइयाँ चढ़ते रहे। ये देखो फॉरेस्ट साइड के फायदे, वाह। ये भाई थक चुका था बहुत बुरी तरीके से। तो ये है प्रेजेंटिंग मिस्टर बनिया, वन ऑफ माय फ्रेंड। भाई जिससे भी पूछे 4 घंटे से कम बताए नहीं रहा कोई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कितनी देर हो गई। वो बोला 3 घंटे, मैं बोला भाई 4 घंटे। पर आप लोग एक बात चेक करो, इस लड़की को कोई फर्क नहीं है, ये लड़की बस चले जा रही है चले जा रही है, कि मुझे बस ऊपर पहुंचना है किसी भी तरह। तो मैं आप लोगों को अपनी आइटनरी के बारे में बताना भूल गया। तो हमने जो बस ली थी वो चंडीगढ़ से ली थी, और चंडीगढ़ से कसौल तक का हमको जो फेयर पड़ा था वो था अराउंड 1000 रुपीज़, और अगर आप दिल्ली से आते हैं तो वही आपको 200 to 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े। और कसौल में बस ने जो हमें है संध्या होटल के पास उतारा था, और वहाँ से फिर हमने जो है कैब ली, और उस कैब ने हमको मणिकरण उतारा, जिसका फेयर उसने हमसे लिया 300 रुपीज़। और फिर उसके बाद हम गए परशैनी, जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया, वहाँ से वहाँ तक का फेयर उसने लिया हमसे 1000 रुपीज़, और तो इन टोटल हमें पड़ा 1300 फॉर वन साइड। और ट्रैक पर कुछ ऐसी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए, कि ऑलवेज कैरी अ डंडा, और सामान कम से कम ले, वाटर बॉटल साथ होनी चाहिए, खाने के लिए कुछ मीठा लाइक चॉकलेट्स एंड ऑल। और उसके बाद चल चल के भाई इतना ज़्यादा बुरा हाल था, इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी, क्योंकि जो वाटर बॉटल थी हमारे पास वो हो गई थी ख़त्म। और जो लोगों के हाल हुए हैं ट्रैक पे, वो भाई बस पूछो मत। तुम इस बंदे की एक बार ज़रा बात सुन लो। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, बस पानी पिलाओ पानी पिलाओ। तो तुम ये मत सोचना कि मैंने इसको पानी नहीं पिलाया, जो ये कैमरा टर्न हो रहा है ये मैं व्यू नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं उसको पीछे बैग से पानी पिला रहा हूँ। फिर आया भाई ये कुछ अलग ट्रैक में देखने को मिला, ये पेड़ और पहाड़ के बीच से जाने, क्या बात। और यहाँ से हमने ऑलमोस्ट हाफ ट्रैक कवर कर लिया था, और उसके बाद जिंदगी में हुआ हमारे साथ एक धोखा, अभी आपके साथ भी होगा, देखना जरा चेक करो। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है, पर ये देखो ये भाई धोखा हो गया था, और झरने के नाम पे ये देखने को मिला। कोई बात नहीं, सब कुछ होता है, बट इट वॉज अ गुड ट्रैक आई मस्ट से। सबको यहाँ जाना चाहिए, नेचर इज सो ब्यूटीफुल आउट देयर।
उसके बाद आया भाई जिंदगी में एक और पड़ाव, वो था भाई ये सीढ़ियाँ चढ़ना। आप सोच रहे होंगे सीढ़ियाँ ही तो चढ़ ली हैं, हमने भी यही सोचा था, पर भाई जो ये सीढ़ियाँ थी, अभी आप आगे चेक करो इस बंदे की जो हालत है, पकड़ पकड़ के चल रहा है। इस बंदे ने ऊपर पहुंचने से पहले ये बोल दिया कि भाई मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मुझे यही छोड़ के जाओ, देखो हालत। सो आई हैव मैंशन मैनी टाइम्स इन द व्लॉग कि हम फॉरेस्ट साइड से आए हैं, तो वो किस लिए आए हैं? वो इसलिए आए, चेक करो ये बिल्कुल ही फॉरेस्ट लगता है ब्रो। अरे मतलब है तो फॉरेस्ट ही, समझा करो बात को यार। और यहाँ से भाई हम अपनी मंजिल से 5 मिनट दूर थे, और सब लोग जो भी मिल रहे थे सब बोल रहे थे कि 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, पर फिर भी हिम्मत करके जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमें एक दीदी मिली और उन्होंने बोला कि बस 2 मिनट। और उस टाइम जो फीलिंग थी ना ब्रो, वो तो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। पर ये जो मिस्टर बलिया है, इसकी जो हालत आगे जाके हुई है भाई, अभी तुम चेक कर जाओ, ये भाई जिस तरीके से चेयर पे बैठेगा तो मतलब वहां ही समझ जाना कि इसको बेड चाहिए, खत्म। उसके बाद हमने वहाँ पर जाके अपने लिए टेंट्स ढूंढे, क्योंकि वहाँ पर टेंट ही अवेलेबल होते हैं। और ये हमारा खीर गंगा का इंस्ट्रक्शन बोर्ड जो हमें फॉलो करना चाहिए। और फाइनली जिस चीज़ के लिए हमने इतनी ट्रैकिंग की, इतनी मेहनत की, तो उस व्यूज़ के नज़ारे ये आपके सामने। दुनिया वालों, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब। पीस आउट।